किसी भी समाज की उन्नति और विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का होता है। शिक्षक छात्रों को शिक्षा देकर समाज का आईना बनने में काफी मददगार साबित होते हैं। गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में जनपद के सभी प्रधानाचार्यों की बैठक थी। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा भी शामिल रहे। इस दौरान SP ट्रैफिक ने यातायात नियमों की जागरूकता के लिए प्रधानाचार्यों को पंपलेट वितरित कराया और बैठक के बाद बिना हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने वाले शिक्षकों को नसीहत देते हुए कहा कि जब शिक्षक जागरूक होगा तो छात्र उनसे प्रेरणा लेते हुए खुद यातायात नियमों का पालन करेगा। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, मिल जाएंगे आपको विद्यालय से जो लोग जुड़े हुए, क्योंकि ये छात्रवृत्ति का एक सीजनल काम होता है आपका, और ये चूक जाएंगे तो फिर नहीं जाएगा। और इसमें चूंकि आप ही के स्तर से विद्यार्थियों को गाइड करना है, इसलिए जानकारी आपकी होनी आवश्यक है। तो जो समय सारी जारी हुई है पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लिए, वो है 1 जुलाई से 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भी होंगे, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो और सामान्य हो या अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी छात्रों के लिए ये तिथि निर्धारित है कि 1 जुलाई से 10 सितंबर तक कक्षा 9-10 के बच्चे आवेदन कर सकेंगे। 9-10 का मतलब पूर्व दशम छात्रवृत्ति, ये आप सब जानते हैं, पहले से भेजे हैं इसके बारे में। आप प्रधानाचार्य हैं भाई, चलिए चलिए ठीक है, चलिए आप प्रधानाचार्य हैं और आप लोग यहाँ बुलाया गया, आप लोग नहीं लगाए, मैं इसीलिए मैं रुका हुआ, मैं सबको एक चेक करूंगा यहाँ पे, चलिए नहीं नहीं गलत बात है, माल रखी है, गलत बात है, फोटो खींचिए, मतलब जानते भी नहीं लगा रहे, सब फायदे बताइए। ये अंदर हमने जागरूक किया, बाहर भी जागरूक कर रहे हैं हम लोग, ये उनको गलत फहमी ना रहे कि नहीं यातायात पुलिस केवल भाषण ही देती है, यातायात पुलिस चेक भी करती है, और मात्र चेक करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई चालान नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अर्थदंड नहीं लगा रहे हैं। ये हमारी प्रारंभिक स्टेज है, हम लोगों को जागरूक करें, भाई आप भी हेलमेट पहनिए और अपने विद्यालय के बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे भी जागरूकता रैली निकालते हैं, गार्जियन को भी काफ़ी हेलमेट पहनना, जी जी वो भी है, और साथ में हम लोगों ने ये भी कहा है कि जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे, हमारे यातायात पुलिस को आप सूचित करेंगे, जिससे हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि जाएगा और गार्जियंस को उनको सूचित करेगा। एक ग्राम पंचायत भी चल रहा है आपका, ग्राम गाँव में जाकर के अभियान चल रहा है, क्या स्कूलों में भी चलेगा? स्कूलों में भी चलेगा, क्योंकि हमने अनुरोध किया है कि आप लोग जो है हमको सूचित करिए, जब भी आप अपने स्कूल में कोई भी कार्यक्रम करें हम लोग सूचित करें, हम लोग सदैव आएंगे। इसी प्रकार से जो हम लोग जो यातायात पंचायत चालू कर रहे हैं, उसमें भी वो भी हमारा इसी का ही पार्ट है, वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, गांव में भी मिलेंगे, तो हम लोग कोशिश यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनके जीवन को कोई खतरा ना हो और सुरक्षित होकर वाहन चला सकें।